अब अगली कॉल हम एक और कर रहे हैं। अब ये कॉल जो है भाई, ये एक लड़की है अरीशा, अरीशा ने हमें नंबर दिया है। इनका नाम है रेहान, और रेहान साहब जो हैं बेसिकली ये साइकेट्रिस्ट हैं, और ये कटाकट भी मज़ेदार होगा। तुम बात करोगे? हाँ हाँ कर लो। चलो तुमने कहना है कि ये मेरा छोटा भाई है, वो कुछ बड़े अरसे से बहुत परेशान है और ये कुछ खा पी भी नहीं रहा, और आपके आप साइकेट्रिस्ट हैं तो कुछ बताएं इस तरीके से बड़ा परेशान होकर बात करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, डॉक्टर रेहान बात कर रहे हैं जी? कहिए कौन? सर मेरा एक छोटा भाई है, उसको मतलब दिमाग का मसला है थोड़ा, तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जी जी कहिए, क्या कर सकता हूँ? तो सर वो जो है बातें भूल जाता है बहुत, मतलब के अजीब भूल जाता है। हाँ मेरी बात करें ये बात करें अब्बू से बात करें जी। डॉक्टर रेहान साहब वालेकुम, कैसे हैं? मिजाज आपके ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आपका नंबर हमें मिला है, हमारे जानने वालों ने नंबर दिया था। असल में ये छोटा बेटा है मेरा, ये बड़ा परेशान हूँ मैं इसको लेके ना, ये इसका पता नहीं प्यार मोहब्बत का चक्कर था क्या था, ये बहुत ज़्यादा। उम्र क्या है जी? ये छोटा है, ये मतलब हम तो इसको छोटा ही है हमको, हाँ छोटा है, हम इसको ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन ये है कि हुआ क्या है, ये किसी लड़की का कोई चक्कर था, ये उससे बात करता था शायद या क्या था देखा था, उसने शायद इसको मना कर दिया बात करने से या कुछ, तो ये मतलब अब बिल्कुल खामोश है डॉक्टर साहब, ये मतलब बिल्कुल चुप है, ना खा रहा है ना पी रहा है, बात नहीं कर रहा बिल्कुल, ना खा रहा है ना पी रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम परेशान हो चुके हैं इसकी इस बिहेवियर से और समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी कोई नफ्सियाती मसाइल थे? नहीं 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 नहीं, कोई नफ्सियाती नहीं थे, बिल्कुल हंसता खेलता था, बिल्कुल ठीक रहता था ये, लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये बिल्कुल अब खामोश हो गया है, बात नहीं कर रहा, खा नहीं रहा पी नहीं रहा, बहुत मसला हो गया, बड़ी परेशानी है मैं। अच्छा अल्लाह खैर करे। सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी दिन आप मेरे क्लिनिक लेके आ सकते हैं, लेकिन देखें आप उसे वक्त दीजिए अपना वक्त, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो रो के निकालता है, चाहे वो पेंटिंग करके निकालता है, चाहे वो लिख के निकालता है, उसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब रो ही तो नहीं रहा, रो भी तो नहीं रहा, बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप, ना खा रहा है ना पी रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी है। बहुत परेशानी में आपको कॉल किया है कि क्या करें, तो अल्लाह भला करे किसी ने नंबर दिया आपका, उसने कहा आपसे बात करें, तो परेशानी आई है बड़ी। तो उसे तो मेरी बात करा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपसे बात करा देता हूँ डॉक्टर साहब। ये मैंने आप उसके कान पे लगाया, ये सुन रहा है आपको, कुछ बोल नहीं रहा, ये सुन रहा है। जी जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये चुप है, बोल नहीं रहा, ये सुन रहा है आपकी आवाज़, सुन रहा है आप। अच्छा अच्छा, नाम क्या बताया? तौसीफ नाम है इसका, तौसीफ। अच्छा तो सिर्फ बेटा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, देखें आपको भी जो आपके मसाइल हैं, कोई भी इशू हो सकता है, उसका इजहार करना चाहिए। आप अपने वालदेन, अपनी वालदा या वालिद, या फिर कोई बहन भाइयों में से जो आपसे बहुत ज्यादा करीब है, किसी दिन आप वक्त निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनसे आप अपना मसला शेयर कीजिए, उससे फिर कोई हल निकल आएगा। डॉक्टर साहब ये सुन रहा है आपकी बात, या फिर किसी खामोशी से मुंह बना हुआ है इसका रोने वाला, सुन रहा है ये। सिर्फ रोने वाला मुंह क्यों, या तो बंदा रो ही ले। हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ, रोए तो इसका दिल हल्का हो। मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं ये साहब? सुन रहा है ये आपकी बात, ये मैंने स्पीकर पे डाल दिया, मैं साथ ही हूँ इसके, सुन रहा है। अच्छा तो आपने अपना नाम क्या बताया था? मौजूद पराचा साहब नाम है मेरा। तो पराचा साहब आप सबसे पहले मैं आपसे भी आपके घर वालों से भी यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। जी जी स्पेस दिए, बात साथ भी बैठा है, आप इससे बात करें ना डॉक्टर साहब, ये हम इसके लिए परेशान हैं, आप इसको समझाएं कुछ, इससे बात करें ना। देखिए बेटा हर किस जिस तरह आपको अपना गुस्सा हो, अपना या फिर आपकी जो फीलिंग्स हो, आपके जो एहसास हो, उसका इजहार करना चाहिए।
वो खुद को महफूज, खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि अगर आपको खेलना कूदना अच्छा लगता है, कोई भी मखसूस खेल हो, गेम हो, तो आप उसके लिए वक्त निकालिए। बहुत सारे मशाग़िल हैं, बहुत सारे लोग अपने फ्री वक्त में खुद को खुश रखने के लिए या वो काम करते हैं, तो वो काम करना चाहिए। आप जो आपका जो पसंदीदा काम है, अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ये रो पड़ा, छोटे बच्चे को तो चुप करा दीजिए। डॉक्टर साहब रो पड़ा, आपकी बात सुन के ये रो पड़ा, रो रहा है। अजीब लोग हो यार, ये इस बच्चे की बात कर रहे थे आप? हाँ ये चुप है, काफी चुप, काफी देर से चुप था ये, सुबह से ना खा रहा है ना पी रहा है, रो ही नहीं रहा ये, आपकी बातों से रो पड़ा ये। ये मैं समझ नहीं पा रहा आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। इससे मैं बात कर रहा था जी, आप इससे बात कर रहे थे, ये मैंने स्पीकर खोल के इस पे लगाया हुआ था, इस पे लगाया हुआ था स्पीकर मैंने, ये असल में डॉक्टर साहब माजरत चाहूंगा, ये ये अरीशा ने कॉल करवाई थी, अरीशा ने आपका नंबर दिया था, उसने कहा था कि आपके साथ कटाकट बना दूं मैं, तो ये उसकी कॉल थी, आप कटाकट से कॉल थी। माजरत डॉक्टर साहब आपका, मैंने इतना टाइम जाया किया, लेकिन ये कॉल बहुत जरूरी थी और ये मेरा फर्ज था ये पूरा करना। पहले तो मेरा दिल कर रहा था खूब आपको गालियां दूं, लेकिन जाहिर है हमसे लोग रابطہ करते हैं, अपने मसाइल शेयर करते हैं। आप अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब, और ये अरीशा को मना करें और अरीशा को बता भी दें कि जैन ने कॉल कर ली कटाकट से। जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड कटाकट, वेरी गुड, मजेदार कटाकट बन गया।